नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ में अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। गंज वासौदा वेदांत आश्रम में शुरू होने वाली भागवत कथा के लिए निकली कलश यात्रा। भागवत कथाओं को लेकर मंगलवार की सुबह 11 बजे रेलवे स्टेशन क्षेत्र स्थित नौलकी मंदिर से एक विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब 1100 कलश लेकर महिलाएं चल रही थीं। वहीं एक रथ पर वेदांती महाराज सवार थे। कलश यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर कथा स्थल वेदांत आश्रम पहुंची। वहीं हजारों की संख्या में कलश यात्रा में नागरिक एवं महिलाएँ उपस्थित रहीं। विदिशा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। आकर्षण है कि श्रीमद् वृंदावन धाम की अत्यंत सुप्रसिद्ध रासलीला मंडली प्रतिदिन रात्रि को 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक रासलीला का भव्य आयोजन इस बार पहली बार यहां पर किया जा रहा है, तो उसमें भी सभी का आह्वान किया जा रहा है। और इस बार मेला भी कुछ विशेष रूप से लगाया जा रहा है, जिसमें बच्चों के मनोरंजन के संसाधन तो होंगे ही, साथ साथ में पास पड़ोस के लोग और ग्रामांचलों की माताएँ बहनें और लोग अपने आवश्यकतापूर्ण सामग्री को भी ले सकेंगे। और इसमें श्रेष्ठ विद्वानों संतों का समागमन भी होगा और राजनीतिक क्षेत्र में भी सेवा करने वाले लोगों का भी समागमन इसमें हो रहा है। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में आएँ। और कथा का जो समय है वही प्रतिवर्ष वाला है, 1 बजे से दोपहर को ये कथा शुरू होगी और 5 बजे तक इसका समापन होगा। साथ साथ में संतों के भी उद्बोधन श्रवण करने का लाभ भी हमें प्राप्त होगा।